हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस डी दिलसे। दिस इज सोमनाथ दास। आई एम इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन इन माय सीरीज चार्ट पे बात। सो होप लास्ट वीक आपका काफी अच्छा रहा होगा। हालांकि मार्केट्स ने तो कहर बरपा रखा है इन टर्म्स ऑफ दोज हु आर लॉन्ग इनटू द मार्केट्स। ट्रेडर्स का थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि वो बोथ साइड अपनी पोजीशंस लेकर के समहाउ जितना उनका एक्सपर्टीज है उस हिसाब से मैनेज करके सरवाइव करते रहते हैं। बट जो ट्रू इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हफ्ता रहा है ये इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। बट दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। सो नीड नॉट टू वरी, थिंग्स विल कम अगेन। एंड जल्दी ही जो आपके पोर्टफोलियोज हैं मैं आशा करता हूँ उसमें क्वालिटी स्टॉक्स होंगे जिसमें अच्छे से आपने फंडामेंटल स्टडीज करके आपने अपने स्टॉक्स चुने होंगे। तो जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो एज कंपेयर टू वीक स्टॉक्स, फंडामेंटली वीक स्टॉक्स, जो अच्छे फंडामेंटल्स के साथ स्टॉक्स होंगे जिनके अंदर वैल्यूज होंगी वो ज़्यादा तेजी से रिकवर करेंगे। और जो आपका पोर्टफोलियो अभी आपको डाउन दिखाई दे रहा है, कंपैरेटिवली यू विल सी दैट विल मल्टीप्लाई एंड स्टैंड एट अनदर लेवल ऑफ हाई प्राइसेस। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट आवर शो चार्ट पे बात। तो सबसे पहले हम लोग अपडेट ले लेते हैं जो हमारे लास्ट स्टॉक्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे वीकली चार्ट्स के ऊपर, उनकी क्या अभी स्थिति चल रही है। हालांकि मार्केट तो बहुत ही दयनीय स्थिति में है ड्यू टू हार्श सेलिंग बाई दी FIIs, दो DIIs एंड रिटेलर्स आर बिट सपोर्टिव। लेकिन जब भी कोई पोजिशनल कॉल ली जाती है उसका यही एक जो प्रोबेबिलिटी होता है हम वो कैलकुलेट ये करते हैं कि जब मार्केट अगर गिरता है तो कंपैरेटिवली जिस स्टॉक पे हम पोजिशन ले रहे हैं वो थोड़ा कम गिरे या ना गिरे, या शायद किस्मत बहुत ही अच्छी हो, प्रोबेबिलिटी इतनी साउंड हो जाए कि वो बढ़ जाए। तो देखते हैं हमारे जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे उनके साथ ऐसा कुछ हुआ या नहीं। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने स्टॉक लिया था वो था जाइडस, जाइडस लाइफ। होप जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं दे मस्ट बी रिकॉलिंग द डिस्कशन वी हैड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो एज यू कैन सी आई हैव मार्क्ड हियर कि यहाँ पे हमने लॉन्ग पोजिशन डिस्कस करी थी। वीकली चार्ट है ये 477 के आसपास, और ये हमारी जो रेड लाइन है इसमें जिसमें ये SL आप लिखा देख रहे हैं ये हमारा स्टॉप लॉस था और ये हमारा प्रॉफिट बुक करने का टारगेट था। ठीक है, तो एज यू कैन सी रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क इतना एंड रिवॉर्ड इतने के लिए हम लोग जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 1:3। 1:3 में रिवॉर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड में कम, एक छोटा सा बड़ा ही स्मॉल आपको एक इंट्रो दे देता हूँ कि 1:3 का रिस्क ऑन रिवॉर्ड अगर हम लोग प्लान कर पाते हैं तो हमें जो सक्सेसफुल होने की ज़रूरत होती है वो होती है अराउंड 33-40%। अगर हम रेगुलर बेसिस पे 33-40% भी अगर हमारे स्टॉक के जो कॉल्स हैं, ट्रेडिंग कॉल्स जो हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, यानी कि हर 10 में से 3 या 4 वी आर एट दी वी कैन इंश्योर दैट वी विल रिमेन इन द बैटल फील्ड एंड एक अच्छा, कंपैरेटिवली अच्छा रिटर्न भी हम जनरेट कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग कॉल्स के साथ। तो 1:3 इज समथिंग लाइक दैट। सिंपल है कि हर मतलब 33% को अगर राउंड ऑफ करें आप तो 40 कर लीजिए, मतलब 10 में से 4 कॉल्स आपको खाली हिट करनी है विद योर स्किल्स एंड यू विल बी एट द विनिंग पोजीशन। डिसिप्लिन एंड मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवॉर्ड के साथ आई डोंट थिंक इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट विद डिसिप्लिन, विद सर्टन डिसिप्लिन एंड मेंटेनिंग द रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट बोथ। ओके, so as you can see in this particular week, let me enlarge it, this candle
इट वेंट अप टू द रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया विच वॉज अर्लियर रेजिस्टेंस विच वी डिस्कस्ड और यहां से फिर इसको एक पुल बैक मिला। देखिए हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस कर रहे थे अपने फर्स्ट वीडियो में जाइडस लाइफ के, कि हमने ये कहा था कि ये जो कैंडल है इसको बेस करके हम लोग ये अपनी पोजीशन ले रहे हैं और ये अब जो कि रेजिस्टेंस बना हुआ था इस कैंडल पे, इस कैंडल पे अब ये उसका सपोर्ट का काम कर रहा है। और एग्जैक्टली इस हफ्ते में इस पर्टिकुलर कैंडल में जैसे ही रेट्स जो हैं 459.55 रुपए के पास आए, वहां पे बायर्स का सपोर्ट मिला है इस पर्टिकुलर स्टॉक को और ये ऊपर थोड़ा जाकर के बंद हुआ। इट मींस कि यहाँ पे डिमांड है, तो इतना आसानी से जो बायर्स हैं वो इसको, जैसे कि हम भी बाइंग पोजीशन लेके बैठे हैं, वो इतना आसानी से इस पर्टिकुलर सपोर्ट प्राइस के नीचे इस स्टॉक प्राइस को नहीं आने देंगे। और हमारा जो जो स्टॉप लॉस है वो तो हमने काफी सेफर साइड होकर के 446 पे रखा हुआ है। ओके, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन से दैट द ट्रेड आइडिया इज इन सेफ हैंड्स। लेट डिस्कस द लास्ट वीक स्टॉक विच वी डिस्कस्ड। लेट मी ओपन दैट, दोज हू रिमेंबर द स्टॉक नेम मे राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। सो हियर इट इज, टेक महिंद्रा। सो टेक महिंद्रा वी डिस्कस्ड, डिटेल डिस्कशन यू कैन वॉच आर लास्ट वीक चार्ट पे बात सीरीज वीडियो। एट प्रेजेंट व्हाट वी कैन डिस्कस, यस, सो बाय सीइंग दिस पर्टिकुलर कैंडल ऑफ लास्ट टू लास्ट वीक वी डिस्कस्ड द गुड वॉल्यूम, वी डिस्कस्ड द मोरोबोजु स्ट्रॉन्ग बाइंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड वी डिस्कस्ड ऑल्सो दैट दिस इज द रेजिस्टेंस विच दिस स्टॉक विल बी रिक्वायर्ड टू ओवरकम। कोशिश भी इस स्टॉक ने किया, हालांकि ओपनिंग इसका एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस के ऊपर हुआ, फिर जो है बायर्स ने इसको ऊपर भी लेके गए और इतना ऊपर लेके गए कि जो इसका बहुत एक लंबा रेजिस्टेंस चल रहा है, ये बॉक्स आप देख रहे हैं, ये बॉक्स का जो अपर लाइन है, ये जो इतना लंबा रेजिस्टेंस चल रहा है इसके ऊपर भी एक बार कोई स्टॉक चला गया। जब जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ये था 1150 पे और इस हफ्ते इसका जो हाई था इस स्टॉक का वो था 1156, 1156। समहाउ मार्केट कंडीशंस की वजह से कहें या फिर कोई और वजह से कहें, प्राइस एंड एक्शन ये दिखा रहा है कि ये अपने लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाया और ये फिर नीचे आकर के उसी रेजिस्टेंस लाइन के नीचे आकर के बंद हुआ है। So as we can see here also I have mentioned the stock idea line. See here we have taken long position as per the discussed idea and ये जो red line आप देख रहे हैं ये stop loss है हमारा, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का ये stop loss है, मतलब 1130-32 और अभी भी अगर किसी ने खरीदना है, खरीदा है या फिर नीचे रेट में खरीदा है तो स्टॉप लॉस हम ये मान के चल रहे हैं, ये जहां से इसने बाइंग शो कराया अगर इससे नीचे कहीं क्लोज देता है वीकली कैंडल तो हम इस स्टॉक से एग्जिट ले लेंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस है अराउंड 1002 रुपीज या 1000 रुपीज के आसपास और सिमिलरली हमने 1:3 या उससे ऊपर ही मान के चले 1:3 के आसपास का हमने टारगेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे लिया है, जो कि इंश्योर करे कि अगर हम आउट ऑफ 10 अगर 4 टाइम्स भी राइट होते हैं तो हम प्रॉफिट में बने रहे, ठीक है। सो एज पर द डिस्कशन वी आर स्टिल सेफ इन द सेफ हैंड्स इन दिस पर्टिकुलर आइडिया। सो नाउ दिस इज द टाइम टू डिस्कस द स्टॉक ऑफ द वीक विच इज शोइंग अ बिट स्ट्रेंथ और बिट probability, you can say strength I won't say, but yeah I can say probability is showing in one of the nifty 50 stocks this week I could find, that is UPL Limited. You must have heard
दिस कंपनी नेम एंड दी व्हाट दिस कंपनी डज। तो एक बड़ी सॉलिड कंपनी है, हमारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है ये कंपनी और निफ्टी 50 का हिस्सा है UPL लिमिटेड। सो व्हाट आई एम बीन एबल टू सी दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न, इसको हम जो आप देख रहे हैं ये वीकली चार्ट, जैसा कि हम सबको पता है हम लोग वीकली चार्ट ही डिस्कस करते हैं। तो एज यू कैन सी देयर इज सम ब्लैक काइंड ऑफ और व्हाट आई से बेसिकली आई कॉल इट अ स्प्रिंग फॉर्मेशन। स्प्रिंग फॉर्मेशन इज समथिंग, इट इज समथिंग माय आइडियोलॉजी कि कभी भी कोई भी किसी भी आप एक कोई भी स्प्रिंग लीजिए, उसको आप प्रेस करते जाइए, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक लिमिट के बाद और प्रेस नहीं होगी, वो जितना श्रिंक हो सकती होगी वो हो चुकी होगी, फिर वहां से उसे अपने आप को एक्सप्लोड करना होता है। और वो एक्सप्लोजन अगर स्प्रिंग की स्ट्रेंथ कम है तो आप डेफिनेटली उसको 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट तक होल्ड करके रख सकते हैं, बट सम एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसको उससे नीचे नहीं, उस स्प्रिंग को उससे नीचे नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि वो पूरा दब चुकी होगी। अब फिर उसको जो है वो अपने आप को एक्सप्लोड करना होगा, तो वो एक्सपैंड करेगी टूवर्ड एनी साइड, राइट। मतलब स्प्रिंग का तो एक अपना लिमिटेशन होता है, बट इन केस ऑफ स्टॉक्स व्हाट वी कैन सी, ये देखिए रेट यहां से चला अपवर्ड जो रेट प्राइस है, एंड लोअर प्राइस जो है यहां से चला, और ये जो है धीरे 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 ये जो एरिया है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया जो है श्रिंक होता जा रहा है, ये श्रिंक होता हुआ लॉन्गर होराइजन पे ये जो श्रिंकनेस है ये यहां तक चल सकती है। व्हाट वी कैन सी अराउंड 2024 तक, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो एक और यहां पे इन्होंने शुरू किया है हायर लोज बनाना इस पर्टिकुलर स्टॉक में, ऊपर से हालांकि प्रेशर आ रहा है, बट यहां पे जब आप देखते हैं जून 2022 से इस स्टॉक ने हायर लोज बनाना शुरू किए हैं जो कि पहले लोअर लोज बन रहे थे। ये देखिए अगर आप देखें यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लोअर लोज है, ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, लोअर लोज। इस तरीके से हम प्राइस एक्शन को स्टडी करते हैं, पहला लो यहां बनाया, फिर उसके बाद दूसरा जो लो, ये देखिए लोज हुए कंटिन्यूअसली, दूसरा लो यहां बनाया, तीसरा लोअर लो यहां बनाया, चौथा लोअर लो इसने यहां बनाया, यहां से पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट हुई, जहां पे कि इसने इस ये जो लो बना रखा है, इस लो के बाद जो दूसरा लो था जहां से कि सपोर्ट मिला इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस को, वो था इस एरिया के, ठीक है, इस एरिया के अंदर इसने अपना हायर लो बनाया। फिर ये जो तीसरा लो है, आप वो इसको माने या इसको माने, ये तीसरा लो इस सेकेंड लो से हायर था। अब ये जो है एक और कंप्रेस्ड जोन की तरफ बढ़ रहा है, जिसको कि हम पहले ये मान के चल रहे थे कि ये यहां तक जाएगा, बट क्योंकि इसने हायर लोज बनाना यहां से शुरू कर दिए हैं, तो ये जोन जो है थोड़ा और श्रिंक हो गया, जो कि पहले ये वाली जो नीचे वाली जो ब्लैक लाइन है यहां पे कि मेरा कर्सर आप देख पा रहे होंगे, इस जोन को हम देख रहे थे, कंटिन्यूसली वॉच कर रहे थे और अपने ट्रेडिंग प्लान्स को लेने के लिए अपना अपना जो है एक प्रोजेक्शन जो है बना रहे थे। अब वो प्रोजेक्शन जो है ये बहुत हद तक इतना कंप्रेस्ड हो गया है कि ये कभी भी एक्सप्लोड कर सकते हैं, चाहे अपवर्ड साइड में चाहे डाउनवर्ड साइड। तो बेसिकली इस तरीके की फॉर्मेशन के अंदर हम ट्रेड्स कैसे लेते हैं, ट्रेड्स लेने का तरीका होता है, क्योंकि ये एफएनओ सेगमेंट के स्टॉक्स हैं, तो आप शॉर्ट साइड में भी अपना ट्रेड ले सकते हैं और लॉन्ग साइड में भी अपना ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, जिनके पास थोड़ा कैपिटल कंस्ट्रेंट है तो वो कैश मार्केट से लॉन्ग साइड में ही ले पाएंगे, शॉर्ट साइड में नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप, मैं मान के चलता हूं कि कैपिटल कंस्ट्रेंट है, फुल टाइम ट्रेडिंग में इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है कि आप एफएनओ सेगमेंट में जाएं, तो इस क्योंकि अब ये लोअर लोज बना रहा है, अगर हम प्रोबेबिलिटी ये देखें कि यहां से ये जो है रेट जो है ऊपर जाएगा, तो हम क्या करेंगे,
ये जो सपोर्ट लाइन है ये हमारी, इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लेके आए। फॉर एन एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ये अभी हमारी ये कैंडल है और ये अगले हफ्ते में कैंडल यहाँ शुरू होगी, तो ये हम मान लेते हैं ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। जब भी मार्केट में हमने सपोज मंडे को कोई अपनी पोजीशन ली और मार्केट में जो है कभी भी ये प्राइस इस लेवल पे क्लोज दिया वीकली कैंडल, हम अपना एग्जिट ले लेंगे, ठीक है। सिमिलरली पोजीशन हम ये मान के चलते हैं कि हम अपना जो पोजीशन लेंगे वो हम यहां पे मार्केट में अजम्पशन है क्योंकि हमें नहीं पता कि मंडे को ये कहां पे इसका रेट ओपन होगा, बट ये मान के चलते हैं कि ऊपर से ये एक रेजिस्टेंस लेके चल रहा है तो हो सकता है शायद यहां, ठीक है। और उसके बाद टारगेट हम ये मान लेते हैं कि ये अपने हाइज को छुएगा, टारगेट लाइन हमने यहां पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा हम देख लेते हैं किसका हाई लास्ट हाई जो है इसके कहां, तो कभी भी जब भी अपने लाइफ टाइम हाई पे या फिर 52 वीक्स हाई पे कोई भी स्टॉक जाता है तो वहां पे उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है, ठीक है। तो लॉन्ग करने के केस में ये जो रेड लाइन हमने बनाई ये स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारी पोजीशन लाइन हो गई, ये हमारा टारगेट प्राइस, ठीक है। पीपल दोज हु आर इनटू एफएनओ सेगमेंट, क्योंकि यहां पे प्रोबेबिलिटी आपकी शॉर्ट साइड की भी बन रही है, तो उस केस में हमारा जो बेसिकली प्लान ऑफ ट्रेड क्या होना चाहिए, हमारा प्लान ऑफ ट्रेड ये होना चाहिए कि पोजीशन लाइन तो एक ही जगह की हो गई, ये हमारा जो है स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस हमने क्यों रखा यहां पे, क्योंकि यहां पे ये जो है एक ऊपर से ये रेजिस्टेंस आ रहा है जहां पे कि हर बार एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार और शायद छठी बार भी यहां से यहां पे जो है बियर्स स्ट्रांग अगर हुए, मार्केट जो है इस टाइम पे वीक है, तो दोबारा से रेजिस्टेंस इस स्टॉक को फेस करना पड़े, तो हमारी बाइंग अगर हमने यहां पे करी है तो हमें अपना एक स्टॉप लॉस लेके भी चलना पड़ेगा, तो हम यहां पे स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर वीकली कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देती है तो हमारा ये स्टॉप लॉस होगा, हम अपनी शॉर्ट पोजीशन से निकल जाएंगे। तो अब टारगेट कहां होना चाहिए, टारगेट का हम ये कह सकते हैं कि टारगेट इज समथिंग जो कि इसका लो यहां पर मान लीजिए। शॉर्ट करने के केस में टारगेट ये जो लो है यहां पे जैसी आए, क्योंकि यहां से जो है देखिए बाइंग आई थी इसके पास, ठीक है। अब आपको टारगेट डिसाइड करने का एक तरीका और भी है कि सपोज आपने 765 के आसपास बाइंग करी, स्टॉप लॉस आपका 791 नहीं 30 रुपए ऊपर है, तो 33 आर 90 100 रुपीज के आसपास जो है आप अगर 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड लेके चल रहे हैं, उसके बाद हालांकि आप ट्रेल कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को, फिलहाल के लिए आप ये मान के चल सकते हैं सपोज ये हो गया आपका अगर यहाँ पे है 765 तो 865 के आसपास अगर हमें 765 तो 100 रुपीज विल बी लेस देन 665 के आसपास जो हमारा 100 रुपीज बनता है, तो हमने ये इसको 665 के आसपास रखते हैं तो ये जो है हमारा समवेयर अराउंड हियर वुड बी दी टारगेट प्राइस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, आपको इतना नीचे तक जो है वेट करने की जरूरत ही नहीं है,
क्यों? क्योंकि लोअर लोज बनने की वजह से ये हो सकता है कि जैसे ही इस लो पे आए यहाँ पे फिर से बाइंग आ जाए, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ पे बाइंग आती है तो हम ऑलरेडी अपना प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे उस, ठीक है। तो ये थोड़ा आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड को भी मैच कर रहा है और आपको एक अर्ली एग्जिट भी दे रहा है एक सपोर्ट एरिया के पास, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं किसी भी ट्रेड में जाने के, अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड विद मनी मैनेजमेंट को डिफाइन करते हुए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का चार्ट ऑफ द वीक। आशा करता हूं आपको लर्निंग मिला होगा, नॉलेज मिला होगा, आप सीख पाए होंगे कुछ जो मैं आप तक कन्वे करना चाहता हूं, और आपके जो सजेशंस हैं, क्योंकि चार्ट स्टडी एक आर्ट है और इस आर्ट को जितना सीखा जाए, जितना एंजॉय किया जाए, जितना अपने तरीके से इसको आर्टिस्टिक वे में जो है आप प्राइस एंड एक्शन को सीखेंगे, समझेंगे, उतना ही आपको ये एंटरटेनिंग लगेगा। बट एंटरटेनमेंट में क्योंकि मनी इन्वॉल्व है तो दो चीजें एकदम नहीं भूलनी है, वो है रिस्क एंड रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट। ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक कंप्लीट डे लेक्चर भी कम पड़ जाए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और इसे इसका आना बहुत जरूरी है। तो कभी अगर आप लोगों की तरफ से रिस्पांस आया तो डेफिनेटली मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट का डिस्कशन सभी करते हैं, बट इसको इफेक्टिव वे में किस तरीके से इंप्लीमेंट करना होता है अपने प्लान्स के अंदर, वो मैं मेरी खुशकिस्मती होगी अगर मैं आपको समझा पाया और आप उसको इंप्लीमेंट कर पाए अपने ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर। सो थैंक यू सो मच, विद दिस मच ओनली आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। कीप लर्निंग एंड स्टे विद अर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बाय बाय।